नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम सह्याद्री पर्वतों के बीच बसा मार्लेश्वर मंदिर देखने जा रहे हैं। मार्लेश्वर मंदिर के नज़दीक रत्नागिरी और संगमेश्वर एक प्रमुख शहर है। संगमेश्वर स्टेशन से संगमेश्वर बस स्टॉप 5 किलोमीटर दूरी पर है। आप ऑटो करके संगमेश्वर बस स्टॉप पहुँच जाइए, उसके बाद आप देवरुख के लिए बस पकड़े और देवरुख आने के बाद मार्लेश्वर के लिए बस यहाँ से ही मिलेगी। संगमेश्वर बस स्टॉप और मार्लेश्वर तक का सफर 1 घंटा 20 मिनट का है। अगर आप रत्नागिरी से आ रहे हैं तो भी आपको देवरुख ही आना पड़ेगा, उसके बाद आपको मार्लेश्वर के लिए बस मिलेगी। कोल्हापुर से आने के लिए आपको देवरुख की बस पकड़नी पड़ेगी और उसके बाद मार्लेश्वर पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए आपको 3 घंटे का समय लगेगा। मार्लेश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव यहाँ स्वयंभू स्वरूप में प्रकट हुए है। मार्लेश्वर का मतलब मारल गाँव के ईश्वर। मारल यह गाँव मार्लेश्वर के नज़दीक 4 किलोमीटर पे है। हम मारल गांव के नज़दीक पहुंच गए हैं। यहां से 4 किलोमीटर दूरी पर मार्लेश्वर मंदिर स्थित है। यहां से रास्ता उपड़खा पर मिलेगा, लगभग कच्चा ही रास्ता समझो। चारों ओर हरियाली और हरियाली के बीच कभी कभी घर दिखाई दे रहे हैं। मार्लेश्वर गुफा में आपको 2 शिवलिंग दिखाई देंगे, एक भगवान मार्लेश्वर का और दूसरा उनके बड़े भाई मल्लिकार्जुन का। दोनों शिवलिंग स्वयंभू है। 1.5 घंटे के सफर के बाद हम मार्लेश्वर पहुंच गए हैं। दाईं ओर दुकानें और बाईं ओर पार्किंग के लिए जगह खुली छुड़ी है। यहाँ 3 तरफ से पहाड़ियाँ और एक तरफ मार्लेश्वर की गुफा स्थित है। यहाँ पर्वत बादलों से ढके हुए दिख रहे हैं। इस दुकान में हमें बच्चों के लिए कैप्स, खिलौने, लेडीज पर्स और कई वस्तुएं दिख रही है। जगह जगह पर पूजा सामग्री की और खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ सीढ़ी मंदिर की तरफ जा रही है। लगभग 550 सीढ़ियों के बाद हम मंदिर पहुँच जाएंगे। बीच बीच में आपको यहाँ झरने और ये सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। यह मंदिर बनने से पहले भगवान मार्लेश्वर कुंवारे थे, इसलिए मकर संक्रांति के दिन साकरपा गाँव की देवी गिरजा देवी साथ मार्लेश्वर भगवान की शादी की जाती है। इस दिन यजमान वाड़ेश्वर भगवान जरूर से आते हैं और मार्लेश्वर भगवान की पालकी अंगौली से आती है। धार्मिक विधियों के अनुसार गिरजा देवी और मार्लेश्वर भगवान की शादी संपन्न होती है। इस जगह को इस दिन मेले का स्वरूप आता है। पहले मार्लेश्वर देवस्थान मारल गाँव के नजदीक अंगौली गाँव में 4 किलोमीटर की दूरी पर था। उस गाँव में मानसार बढ़ने के कारण भगवान गाँव से रुक कर बाहर निकले। चलते चलते भगवान मारल गाँव के नज़दीक चांबर के घर के सामने आ पहुँचे। भगवान अंदर बैठे चांबर को बुलाने लगे। तब भक्त भगवान को रास्ता दिखाने के लिए लालटेन लेके बाहर आ गए। चलते चलते मार्लेश्वर भगवान और चांबर गुफा के नज़दीक पहुँच गए। मार्लेश्वर भगवान इस गुफा में ही रुक गए और भक्त अपने घर चला गया। दूसरे दिन मंदिर से भगवान गायब होने की खबर पूरे अंगौली गाँव में पहुँच गई। मार्लेश्वर भगवान ने पुजारी के सपने में आके मैं सह्याद्री के पर्वत रंगों में स्थित हूँ यह बताया। गाँवों ने और पुजारी ने भगवान को सब जगह ढूंढा मगर भगवान नहीं मिले। उसके बाद गांव में महामारी फैली और परकियों का आक्रमण भी सहना पड़ा। आगे 18वीं सदी में अंगौली के सरदार आलेराव सांगे शिकार पे निकले थे। यह शिकार को गुफा के अंदर जाते हुए देखा। सरदार और उनके साथी गुफा के नज़दीक आ रहे थे, तभी एक बड़ा पत्थर सामने आया और गुफा को झप दिया। गुफा का वो पत्थर निकालते ही सरदार को मार्लेश्वर के दर्शन हो गए। वो दिन मकर संक्रांति का दिन था, इसी कारण मकर संक्रांति के दिन यहाँ बड़ा मेला लगता है। अभी हम गुफा के नज़दीक पहुँच गए हैं। बाजू में गणपति का मंदिर है, उसे नमन करके हम अंदर जाएंगे। यह मार्लेश्वर का लिंग है। बाजू में उनके बड़े भाई मल्लिकार्जुन का लिंग भी स्थित है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए मल्लिकार्जुन भगवान कर्णरथ से यहाँ आए हैं।
सामने आपको गंगा कुंड दिख रहा है। इस गंगा कुंड का पानी गर्मी के सीज़न में 3 फुट के नीचे नहीं जाता और बरसात के सीज़न में 4 फुट के ऊपर नहीं आता। यहाँ आप मल्लिकार्जुन भगवान देख रहे हैं, सामने आप मार्देश्वर भगवान देख रहे हैं, आप पांडवकालीन दोह देख रहे हैं। यह दोह कितना गहरा है अब तक पता नहीं चला है। यहाँ से गंगोत्री नदी का उद्गम होता है। आगे जाकर ये नदी बाव नदी के नाम से प्रसिद्ध होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।